कारोबारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कार्यवाही करने गई टीम के साथ अभद्रता कर सैनिक को ट्रैक्टर के नीचे डालने का प्रयास किया गया। एसडीएम बोले कार्यवाही करेंगे। बड़वानी में रेत का अवैध उत्खनन कर रहे रेत कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। कार्यवाही करने गई टीम के साथ अभद्रता कर सैनिक को ट्रैक्टर के नीचे डालने का प्रयास किया। एसडीएम बोले कार्यवाही करेंगे। बड़वानी जिले में रेत का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन समय समय पर कार्यवाही भी करता है, बावजूद इसके रेत का अवैध उत्खनन करने वाले प्रशासन की नाक के नीचे से अवैध रेत का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं और इनके हौसले कितने बुलंद हैं इसका जीता जागता उदाहरण देखने को तब मिला जब यहां अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर राजस्व की टीम के लौटते समय शहर के व्यस्ततम मार्ग उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कुछ लोगों ने आकर इसे जब्त कर लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली रोक ली और प्रशासनिक टीम से झूमा झटकी कर अभद्रता शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सैनिक लालू डावर के साथ तो हाथापाई भी की गई और उसे ट्रैक्टर के नीचे धकेलने का प्रयास भी किया। जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती उसके पहले सभी वहां से फरार हो गए। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही है। एसडीएम के अनुसार बार बार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन अवैध रेत कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही करता है जो निरंतर जारी है। हाँ, ये सर ने भेजा था कि राजघाट रोड पे जाओ, मतलब रेती वगैरह ज़्यादा चल रही है तो उधर देख के आओ। तो इतने में ट्रैक्टर रास्ते में आ रहा था और पकड़ के ला रहा था मैं, और इतने में इन्होंने इसका सेट आया और मेरे साथ गाली गलौज करी और ट्रैक्टर के नीचे धक्का मारने की कोशिश करी और वर्दी फाड़ डाली और वहाँ से ये लेके भाग गए। फिर क्या हुआ? और उसके बाद फिर हमने ढूंढा, सर ने बोला कि उनको ढूंढ के लाओ, तो ये झंडा चौक में थे और वहाँ से पकड़ के ले जा रहे थे सर के पास। हंगामा भी हुआ, हम वहाँ जा रहे थे तो ये आगे आके वहाँ गाली गलौज करने लग गया और ट्रैक्टर को रोक लिया था। क्या अभी कहाँ हैं आप? हम अभी यहाँ कोतवाली थाने पे रिपोर्ट लिखी है, लिखा दी। अवैध उत्खनन को लेकर बार बार शिकायतें मिल रही थी, इसको लेकर टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया था। इसमें मामला संज्ञान में आया है कि कुछ अवैध रेत का परिवहन करने वाले और उत्खनन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा टीम के सदस्यों के साथ अभद्रता की है और झुमा झटकी भी की है। इसको लेकर इस कार्रवाई पुलिस के माध्यम से की जा रही है। साथ ही इस प्रकार से जो रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और परिवहन भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर टीम बनाकर सख्त से सख्त कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी।